नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लंबी रिस्क के घोड़े। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, जो कि इंडियन इकोनॉमी का जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है उसी का एक सीरीज़ का पार्ट है। आज हम लोग चैप्टर 8.15 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियोज़ काफ़ी सारे बनाए हैं जो कि काफ़ी शॉर्ट हैं, प्रिसाइज हैं एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं। UPSC स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेक श्योर कि आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि हमने यहाँ लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजर्स तक डिस्कस कर लिया था, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पेस्टिसाइड, देन एग्री क्रेडिट एंड फार्मर सुसाइड, देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती हैं जानेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लोग जानेंगे, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इंडियन एग्रीकल्चर का रिलेशन है उसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं वो सब हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना तक ही पढ़ेंगे हम लोग, रेस्ट ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ये सारी टॉपिक्स में लास्ट वीडियो जो चैप्टर 8वीं का है लास्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेस्टिसाइड्स की अगर बात करूं तो आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि क्रॉप यील्ड लॉसेस रेंज फ्रॉम 15-25%। तो जो पेस्ट लग जाते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं खेतों में फसल में, उसकी वजह से जो लॉस होता है क्रॉप को, जो फसल है उसको लॉस होता है, वो लगभग 15-25% के आसपास होता है। तो बहुत ही बड़ा परसेंटेज माना जाएगा इसको। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड यूज़ है वो इंडिया में बहुत कम है, मच लोअर है कंपेयर किया जाए अगर बाकी कंट्रीज से। इंडिया में हम लोग 0.5 kg पर हेक्टेयर पे यूज़ करते हैं, जबकि यूरोप में आप देख सकते हैं 2.5 kg पर हेक्टेयर किया जाता है, जो कि लगभग 5 गुना है इंडिया के यूज़ का, एंड 12 kg किया जाता है जापान में, जो लगभग 24 गुना ज़्यादा है, एंड 6.6 kg किया जाता है पर हेक्टेयर में कोरिया में। तो ये सारी बहुत ज़्यादा है इंडिया से, तो इंडिया कम पेस्टिसाइड यूज़ करता है। देन नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो कंसर्न्स क्या क्या है जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, उनमें नंबर वन आता है जो यूज है इसका, यूज ऑफ पेस्टिसाइड विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर गाइडलाइंस। तो जो भी इसके गाइडलाइंस हैं उनको बिना फॉलो किए ही पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, जो कि इकोलॉजिकली और फूड के लिए भी कहीं ना कहीं डेंजरस है, ठीक नहीं है, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, फिर सही समय पर नहीं यूज़ करते, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली एंड इन्वायरमेंटली काफ़ी डैमेज होता है। सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड हैं वर्ल्ड की उस टाइप की पेस्टिसाइड्स हम लोग नहीं यूज़ करते, सब स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है किसानों में कि आज कई बार तो पेस्टिसाइड को मतलब हैंडल करने के लिए भी किसानों को प्रॉपर गियर पहनना चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो और कितना यूज़ करना क्या, ये सब भी उनको अवेयरनेस का पार्ट है, जो ये भी उनको पता नहीं है। तो ये सारे कंसर्न हैं पेस्टिसाइड्स के। देन नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सम पॉलिसी स्टेप्स क्या क्या हैं, कुछ पॉलिसी स्टेप्स जो कि इस फील्ड में लिए गए हैं। तो इसमें जो फार्मर्स नीड टू बी एजुकेटेड, इसमें लेना चाहिए, फार्मर को एजुकेट करना चाहिए। देन सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी है, उसकी जो गाइडलाइंस है जो कि पेस्टिसाइड्स के रिलेटेड है उसको फॉलो करना चाहिए। देन अगर ग्रेटर फोकस ऑन IPM, अब मैं IPM क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारी मेथड्स को अप्लाई करके, इंटीग्रेशन करके एक पेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, जिसमें कल्चरल, जैसे कल्चरल की बात करूँ तो कुछ मतलब जो किसानों में पहले से जो पता है, जो उनको पता है कि इस फसल में ये कीड़े लगने का चांस होता है, तो
वो लोग प्रॉपर केयर लेते हैं उसके लिए, तो वो एक कल्चरल एस्पेक्ट है जो कि सदियों से चली आ रही है। देन मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं। मैकेनिकल में आप कि मतलब ऐसा मान लो कि इस जो सपोज एक खेत है उसमें कुछ फसल लगानी है और आपको पता है कि इस सीज़न में ये पेस्ट लगता है और इस फसल पे लगता है, तो आप मैकेनिकली आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। देन बायोलॉजिकल की बात करूँ तो कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, उसके द्वारा भी आप पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। नीड बेस्ड यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड्स, तो आप मतलब इन सबको मिला के इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अगर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कभी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी की किताब में भी। देन प्रेफरेंस देना चाहिए किसको, टू द यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, नॉट केमिकल, इट्स बायो। सो बायो पेस्टिसाइड में क्या है कि इन्वायरमेंटली कुछ डैमेज आप नहीं करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी यूज़ करना चाहिए, जैसे अगर मैं बायो कंट्रोल एजेंट की बात करूँ तो कुछ ऐसे बड़े पेस्ट हैं जो कि छोटे पेस्ट को खा जाते हैं, तो जो मतलब हानिकारक पेस्ट हैं उनको खाने वाले कुछ पेस्ट हैं बड़े वाले, तो ऐसे एजेंट्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने खेतों में। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉलिसी स्टेप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एग्री क्रेडिट एंड फार्मर सोसाइटी के बारे में। यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं एग्री क्रेडिट एंड फार्मर सोसाइटी। तो पहला पॉइंट है एन इम्पॉर्टेंट मीडिएटिंग इनपुट, तो जो ये क्रेडिट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट बन जाता है जिसको मीडिएटिंग इनपुट भी कहते हैं। अब इसमें क्यों ज़रूरत है क्रेडिट की, तो सबसे पहले तो जो फार्मर्स होते हैं उनको उनकी मशीनरी में पैसा खर्च करना पड़ता है और उनके पास इतना सफिशेंट अमाउंट नहीं रहता है तो उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। देन दूसरा परचेज ऑफ वेरिएबल्स इनपुट, तो वेरिएबल इनपुट क्या क्या हो सकता है, फर्टिलाइज़र लेना पड़ता है उनको, क्वालिटी सीड खरीदना पड़ता है, मैन्योर खाद वगैरह खरीदना पड़ता है, तो ये सब खरीदने के लिए कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। तो ये आप मान सकते हो कि जब खेत में बुआई शुरू होती है, बुआई से पहले भी आप कई सारे चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जिनमें एक इम्पोर्टेंट तो हो गया मशीनरी में आप खर्च करोगे, देन खेत की जुताई के लिए, देन फिर आप उन इनपुट खरीदने के लिए, मतलब तो हर लेवल पे किसान को खर्च होता है जिसके लिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। और उनको इन उनके जो इनकम का सोर्स है वो ओनली मिलता है उनको जब हार्वेस्ट हो जाता है, जब वो हार्वेस्ट कर लेते हैं और जब वो मंडी में जाके अपने अनाज को बेचते हैं तब उनको पैसा मिलता है, तो इस बीच में उनके पास पैसा नहीं रहता है, इसलिए क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द कंसर्न्स रिगार्डिंग एग्री क्रेडिट, क्या क्या है कुछ कंसर्न एग्री क्रेडिट से रिलेटेड वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो कंसर्न है प्री डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब साहूकार हो गया आपके, एनीथिंग बियॉन्ड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, जैसे कि साहूकार से कई किसान पैसा ले लेते हैं, लोकल लेंडर्स जो होते हैं उनसे पैसा लेते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जैसे कई बार तो 40% के आसपास चार्ज करते हैं। देन दूसरा जो इसमें कंसर्न है वो है इंटरमीडिएशन का एंड रीफाइनेंस मॉडल का, तो जो मतलब ये है इसका कि जो हम किसानों को जो क्रेडिट मिलता है उसमें जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो डायरेक्टली नहीं मिलता उनको, वो एक्चुअली सब्सिडी जाता है बैंक को या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है पैसा दे रही है उसको जाता है, और फिर वो सब्सिडी फर्दर किसानों को देते हैं। जैसे एक केसीसी की बात करूँ किसान क्रेडिट कार्ड में, तो वहाँ पे आप 3 लाख, लोग 3 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक्चुअली उसमें 7% इंटरेस्ट है लेकिन आपको देना पड़ता है मात्र 3% के आसपास, 4% गवर्नमेंट पे करती है। और लेकिन ये डायरेक्टली क्यों नहीं, किसानों को डायरेक्टली क्यों नहीं दिया जाता है, बैंक को क्यों दिया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं डीबीटी काफ़ी हेल्प करेगा। डीबीटी मॉडल अगर लेके जाएँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है, तो काफ़ी किसानों को हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं कि जो इंटरमीडिएशन और रीफाइनेंस मॉडल है इसमें भी कहीं ना कहीं कंसर्न है। देन रेशियो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 10% 1999 और 2000 के बीच से लेकर
अभी 40% के आसपास हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जो इसमें डिक्लाइन हो रहा है, किसमें 55% का डिक्लाइन हो रहा है टर्म क्रेडिट में। तो छोटे लोन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोनों की ज़रूरत पड़ती है किसान को, वो उनको नहीं मिल रहा, उसमें एक्चुअली डिक्लाइन है 55% के आसपास। तो देखिए, क्रेडिट तो बढ़ा है 1999 से, जो जो कि पहले 10% के आसपास हुआ करता था, अब 40% के आसपास है 2015-16 के डेटा के हिसाब से। लेकिन जो बड़ी क्रेडिट्स हैं, बड़े लॉन्ग टर्म के लिए टर्म क्रेडिट्स, वो इनको नहीं मिल रही, वो डिक्लाइन हो रही है 55% के आसपास, ये डिक्लाइन हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये भी एक कंसर्न है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो बैंकरप्सी एंड इनडेप्टनेस आर द मेजर कॉजेज फॉर फार्मर सुसाइड। तो फार्मर सुसाइड क्यों होता है? कहीं ना कहीं लोन ले लेते हैं किसान, लोन लेते हैं किसके लिए? फसल उगाने के लिए, अपने फार्मिंग एक्टिविटी के लिए। लेकिन ये फार्मिंग एक्टिविटी में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। जैसे कि एक तो मानसून डिपेंडेंट है, तो मानसून के वेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने से फ्लड आ जाता है, कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती तो ड्रॉट हो जाता है। तो इनकी जो इनकम है किसानों की, वो अश्योर नहीं है, वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से कई बार वो बैंकरप्सी की तरफ चले जाते हैं, इनडेप्टनेस की तरफ चले जाते हैं। और यही कारण है कि अब बैंक तो सुनेगा नहीं उनका, तो वो नहीं पे करने की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग आत्महत्या करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको एक कई जगह पे, जैसे मराठवाड़ा एरिया है, विदर्भ एरिया है जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा किसान सुसाइड करते हैं। और छोटे अमाउंट के लिए 10,000 5,000 के लिए भी इनफैक्ट वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये वो इसलिए भी सुसाइड करते हैं क्योंकि अगर उनके उनके जो सोशल स्टेटस है वो भी, अगर उनके पास अगर पुलिस जाए रिकवरी के लिए या फिर बैंक वाले पहुँचे, तो सोशल स्टेटस को भी हार्म पहुँचता है, इसलिए भी सुसाइड ज़्यादा होता है। तो छोटे छोटे अमाउंट के लिए भी सुसाइड होता है। देन 80% जो सुसाइड है इन 2015 ड्यू टू बैंकरप्सी और डेब्ट्स एंड हैड बोरोड मनी फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो सुसाइड है, वो जो डेटा है ये बेसिकली NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो जो है, रिकॉर्ड ब्यूरो, वो इसने बताया था कि जो यहाँ पे जो 80% सुसाइड हुए हैं 2015 में, वो जो लोन लिया गया था वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लिया था, जैसे बैंक वगैरह से लिया गया था। ऐसा नहीं कि साहूकार से ले लिया या फिर लोकल लेंडर से ले लिया और सुसाइड कर लिया। तो बैंक से लोन लेने के बाद सुसाइड कर लेते हैं किसान कई बार, क्योंकि बैंक, अब बैंक भी अपना घाटा तो नहीं सहेगा, तो बैंक कई बार रिबेट नहीं देता। लेकिन आजकल कई स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी सेंसिटिव है इसमें, और फार्म लोन वेवर काफ़ी मिलता है आजकल किसानों को। और इसके भी कई फ़ायदे और कमियां हैं, खैर ये दूसरी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथन अदर सपोर्ट सिस्टम इन्हेंस द फार्म। तो यहाँ पे क्या, आप सपोर्ट सिस्टम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इन्हेंसिंग द फार्म इनकम टुगेदर विथ एक्सपेंडिंग द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस एट स्पीडी मैनर। तो इसका उपाय यही है कि आप कुछ भी करें, फार्म इनकम को जनरेट करें, बढ़ाएं, एंड जो एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस है वो भी कवर करने की ज़रूरत है। तो इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा स्टेप है। इसकी भी कुछ फ़ायदे कुछ घाटे हैं, लेकिन अलग बात हो गई, लेकिन एक बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का। आगे बढ़ते हैं। अब बात करूँगा मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की। तो यहाँ पहला पॉइंट जो है वो की इनपुट टू फार्म। तो जो ये सर्विसेज हैं, ये किस तरीके की सर्विसेज हैं वो पहले मैं बता दूँ आपको। ये सर्विसेज हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना किसानों को, टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कराना उनको, फिर उनको कंटीजेंसी से मीट करने के लिए, उसको झेलने के लिए, उसको उससे निकलने के लिए प्लान बताना, और मार्केट इन्फॉर्मेशन देना। ये सारी जो सर्विसेज हैं ये बेसिकली इनपुट सर्विसेज हैं फार्मिंग के लिए, फार्म सेक्टर के लिए, और इन्हीं सर्विसेज को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज।
थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे इश्यूज़ क्या क्या हैं इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में। पहला इशू जो है वो लैक ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेगुलेशन ज़्यादा है, फंक्शनल ऑटोनॉमी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की नहीं है। देन रिजिड हायरार्किकल स्ट्रक्चरल लीडिंग टू लैक ऑफ इनोवेटिव मेथड्स। तो वही अगेन जो फंक्शनल ऑटोनॉमीज जो इसमें नहीं है उसके, और रिजिड हायरार्किकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इनको कहीं ना कहीं इनोवेटिव मेथड ये लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, और इस वजह से काफ़ी हैम्पर होता है ये सर्विस प्रोवाइड करना। और देन कोऑर्डिनेशन का भी प्रॉब्लम है, मल्टी लेयर्स इसमें रेगुलेशन है, ये सारे इश्यूज हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस में। कुछ सजेस्टेड पॉलिसी स्टेप्स हैं जो कि सजेस्टेड हैं लेने चाहिए। न्यू स्कीम और एडिशनल आउटलेज लाइए। तो जैसे आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, जैसे एक किसान टीवी खोला था, इसमें किसानों से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप होगा कि इसी टाइप की स्कीम लाएं, या फिर जो अभी पुरानी स्कीम है उसमें कुछ एडिशनल आउटलेज लाएं, कुछ नए प्रोविजंस इशू करें। देन सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीड ऑफ वन स्टॉप शॉप अप्रोच विच इज़ न्यूट्रल टू इनपुट क्रॉप एंड रीजन। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक वन स्टॉप शॉप बनाइए, ऐसा नहीं कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। किसी को अगर क्रॉप से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो कहीं और कॉल करेगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा तो कहीं और, नहीं वन स्टॉप शॉप बनाइए, क्योंकि किसान 10 जगह कॉल नहीं करेगा, एक जगह सारी फैसिलिटीज़ उसको मिल जाए, सारी क्वेरीज उसके क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। देन मिनिमाइजिंग वेस्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेस्टेज होता है उसको कम करें। एफर्ट्स टू इन्हेंस पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ एट द फार्म इट्सेल्फ। तो कहीं ना कहीं एफर्ट डालना चाहिए कि जो हार्वेस्ट के बाद जो प्रोसेसिंग है तो वो उनके खेत से ही स्टार्ट हो जाए, वैल्यू एडिशन जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह करना ज़रूरी है। देन नीड टू शेयर विथ फार्मर्स इंफॉर्मेशन ऑन वेदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज वेदर पे ही डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म वेदर अगर किसी को पता रहे, हालांकि एग्जैक्टली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेट्रोलॉजी काफ़ी एडवांस तरीके से काम करती है और प्रिडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट रहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं फार्मर्स को मिलनी चाहिए। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमोटिंग इंटर एंड रोटेशनल क्रॉपिंग, ये बहुत ज़रूरी है। इफ़िशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स, तो जो इनपुट्स मिले उसके बेस पे रोटेशनल क्रॉपिंग करें, इंटर और रोटेशनल क्रॉपिंग होना चाहिए। देन डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज होना चाहिए। वर्चुअल कनेक्ट, अब जैसे क्या है कि सारी फैसिलिटीज़ आपको मोबाइल पे देनी चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब क्या है कि इंटरनेट तो हर जगह पहुंच रहा है धीरे धीरे, और किसानों के पास भी मोबाइल्स हैं, अच्छे वाले मोबाइल्स हैं, तो वो फैसिलिटीज़ वो अगर एग्रीकल्चर सर्विस से रिलेटेड फैसिलिटीज़ लेनी हो तो क्यों ना वो अपने मोबाइल पे ले सके। तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी देनी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे ऐप्स बनाए, ऐसे कुछ करें कि इंटीग्रेशन हो सके। देन अगला डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2016 में। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसका, मैंने सारे इसके पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो यूनिफॉर्म प्रीमियम है जो कि काफ़ी कम है, 2% ओनली है खरीफ क्रॉप के लिए, मतलब 2% किसान देता है प्रीमियम और 98% देती है गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत अच्छी बात, मुझे ये स्कीम अच्छा लगा। देन 1.5% फॉर रबी क्रॉप, तो यहाँ पे अलग अलग है, आप याद कर ले, 2% खरीफ के लिए है और 1.5% रबी क्रॉप के लिए है, दोनों को अलग अलग याद करना बहुत ज़रूरी। देन एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। देन बैलेंस प्रीमियम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। देन नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी, पहले क्या था कि जो पहले की ऐसे इंश्योरेंस जो स्कीम्स थे, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम था इसके पहले जो 1999 में आया था, उसमें कैपिंग थी, उसमें गवर्नमेंट कि जो सब्सिडी थी कहीं ना कहीं कैप कर दी जाती थी, कम कर दी जाती थी, लिमिट था उसमें। अब इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, सब्सिडी बढ़ सकती है, किसी लेवल तक जा सकती है, कोई अपर लिमिट नहीं है इसमें।
वन इंश्योरेंस कंपनी फॉर द एंटायर स्टेट। अब यहाँ पे एक ही इंश्योरेंस कंपनियों के एंटायर स्टेट के लिए, एज वेल एज फार्म लेवल असेसमेंट ऑफ लॉस ऑफ लोकलाइज्ड रिस्क एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है, एक ही इंश्योरेंस कंपनी होगी एक स्टेट के लिए, एक पूरे स्टेट के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपने क्लेम किया तो असेसमेंट नहीं होगा, तुरंत असेसमेंट होगा और फार्म लेवल पे असेसमेंट होगा और लोकलाइज्ड रिस्क वगैरह सब कुछ कवर किए जाएंगे उसमें। अच्छी बात है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन और रिमोट सेंसिंग। अब आपको लगता है कि स्मार्टफोन से आपको आपके खेत में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपका हार्वेस्ट को कुछ कीड़े लग गए या फिर नेचुरल आपदा वगैरह की वजह से बर्बाद हो गया, तो आप स्मार्टफोन से फ़ोटो खींचिए और तुरंत मैसेज कीजिए और इससे एक तुरंत ही एक्शन होगा। तो रिमोट सेंसिंग भी यूज़ किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेड बाई प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का स्कोप है, इंश्योरेंस की कंपनियाँ दोनों हो सकती हैं। अब एक जो पब्लिक सेक्टर की है वो AICIL, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, देन एस्टिमेटेड टू कवर 50% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, 2018-19 के आसपास में 50% जो टोटल क्रॉप्ड एरियाज हैं वहाँ यहाँ पे कवर करने की बात की जा रही है, जो कि बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नाउ वी विल डिस्कस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी इसको पढ़ने से पहले, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि आजकल हमारे जो एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो जो 2/3 ऑफ एग्रीकल्चर है हमारा वो रेनफेड है, ये आपको पता है, और जो कि मानसून की वेगरीज का शिकार हो जाता है। मानसून कभी ड्रॉट ले आता है, कभी फ्लड ले आता है, तो ड्रॉट एंड फ्लड भी बहुत ज़्यादा है। इफेक्ट फूड सिक्योरिटी, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा फूड सिक्योरिटी इशू हो जाता है, फूड सफिशेंट अमाउंट में नहीं रहता, प्रोड्यूस में डिक्लाइन कोई भी हो तो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। देन थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन क्रॉप्स, कहीं ना कहीं जो चेंज क्लाइमेट पैटर्न है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, उस पर इफेक्ट डालता है, सॉयल्स के नेचुरल थिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, लाइफ स्टॉक के कोई अफेक्ट करता है, फिशिंग और पेस्ट वगैरह पे भी इसका असर होता है। तो क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे असर हैं। तो ये लॉन्च किया गया था NMSA, लॉन्च किया गया था 2011-12 में। देन एम्स एट इन्हेंसिंग फूड सिक्योरिटी, जो इसका एम है वो फूड सिक्योरिटी को इन्हेंस करना और प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि एग्रीकल्चर में हम लोग यूज़ करते हैं, उसका सस्टेनेबल यूज़ करना, उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना हमारा एक एम है NMSA के तहत। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, सॉयल हो सकता है आपका, वाटर हो सकता है आपका, है सॉयल वाटर एक्सेट्रा वगैरह, जो भी रिसोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको प्रोटेक्ट करना इसका एक मकसद है। स्ट्रेटजीज क्या क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसको डील करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। डेवलपिंग कल्टीवर्स टॉलरेंट टू हीट, तो जो कल्टीवर्स हैं उसको टॉलरेंट टू हीट लेके आए, मॉइस्चर लेके आए, सैलिनिटी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके, तो टॉलरेशन वाले कल्टीवर्स लाने चाहिए। देन मॉडिफाइंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट वगैरह, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को आप इम्प्रूव करना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट करें, ऐसा नहीं कि फ्लड इरिगेशन करें, आपको ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन की तरफ जाना चाहिए। देन अडॉप्टिंग न्यू फार्म प्रैक्टिसेस सच एज रिसोर्स कंजर्विंग टेक्नोलॉजीज, तो ऐसी टेक्नोलॉजी फार्म प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको आप रिसोर्स को प्रिजर्व कर सके। जैसे कि एक सॉयल हेल्थ कार्ड है, वो बता देता है कि आपके सॉयल का हेल्थ कैसा है, तो उसके हिसाब से आपको को फसल लगाना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें एंड इम्प्रूविंग पेस्ट मैनेजमेंट करें। तो क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है कि एक ही क्रॉप अगर बार बार लगाते हैं आप, तो वो पार्टिकुलर न्यूट्रिशंस को ख़त्म कर देता है और जिससे उस इनफर्टिलिटी आ जाती है सॉइल में। अगर आप रोटेट करते हैं, कभी आज एक कोई और फसल लगाया, अगले सीजन में दूसरा फसल लगाया,
तो जो सॉयल का हेल्थ है वो बना रहता है, सॉयल का न्यूट्रिशन लेवल बना रहता है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आप पेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, मेकिंग अवेलेबल टाइमली वेदर बेस्ड एडवाइजरी, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस का रोल है। देन क्रॉप इंश्योरेंस को ज़रूर प्रोमोट करना चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अच्छा स्कीम। एंड हार्नेसिंग द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नॉलेज ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ फार्मर्स, तो ऐसा नहीं कि आप वर्ल्ड में जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उसी को आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, हमारे फार्मर्स के पास भी बहुत ही टेक्निकल नॉलेज है, उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है, उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है और उस पर कुछ कदम उठाना चाहिए। देन अगर बात करूँ नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जिसको कहते हैं शॉर्ट में निकरा, ये एफर्ट डालता है कवर करने के लिए क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक को, फिशरीज़ को, तो इंटीग्रेटेड एफर्ट डालता है ये, क्रॉप्स को भी कवर करता है, लाइफ स्टॉक को भी कवर करता है, फिशरीज़ को भी करता है। निकरा, निकरा आप याद कर लें, नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, और एंड फोकसिंग मेनली ऑन एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर, तो ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए ये एक इनिशिएटिव है निकरा, जो कि 100 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है इंडिया में, इंडिया में जो 100 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर करता है, कवर किया जाता है निकरा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे पहली बात कि कन्फ्यूज़न, जब ये WTO आया बेसिकली, तो उरुग्वे राउंड ऑफ जो नेगोशिएशन चल रहे थे उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गैट को ख़त्म करके आ गया था, तब एक्चुअली कन्फ्यूज़न था काफ़ी कंट्रीज़ में, इंडिया को भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न था उसके प्रॉस एंड कॉन्स को लेकर कि क्या इसमें बहुत फ़ायदे होंगे हमें या घाटा हो जाएगा, तो कई सारी कंट्रीज़ जो थी डेवलपिंग डेवलप्ड वो सब कैलकुलेट कर रही थी और इंडिया भी कैलकुलेट कर रहा था उस समय कि मुझे फ़ायदा होगा या घाटा, तो हर कंट्री के बीच में, हर कंट्री में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न था प्रॉस और कॉन्स को लेकर। तो सेक्टर विच हैज़ क्रिएटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिलीब्रेशन इज़ एग्रीकल्चर, तो WTO में जो सबसे ज़्यादा बात उठी वो एग्रीकल्चर की उठी, एग्रीकल्चर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया वॉज सेप्टिकल, इंडिया जब इसको जब अपने शुरुआती दौर में था WTO को, तो काफ़ी सेप्टिकल था, उसको पता नहीं था कि संशय में था कि क्या करें क्या ना करें। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो सब्सिस्टेंस लेवल इज़ द बिगेस्ट हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब WTO आया ही था ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई, तो यहाँ पे क्या था कि लेकिन बहुत सारी कंट्री है, इंडिया भी सब्सिस्टेंस लेवल की खेती करती है, सब्सिस्टेंस लेवल का उनका एग्रीकल्चर है बहुत सारी कंट्रियों का, इंडिया का भी, तो ये एक बड़ा हर्डल बना ग्लोबलाइजेशन में, क्योंकि अगर आप सब्सिस्टेंस के लिए खेती करते हैं तो आप कमर्शियल पर्पस के लिए उसको नहीं लेके आएंगे, और वो कहीं ना कहीं WTO में क्या है कि ट्रेडिंग के लिए है ये सारी चीज़ें, आप वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को लेके आ रहे हैं, एग्रीकल्चर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं सब्सिस्टेंस लेवल है वो प्रॉब्लम बन के निकला। तो अब इसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एज़ पर उरुग्वे राउंड जो हुआ उसमें बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताए गए, उनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं आप देख सकते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 745 बिलियन का एडिशन होगा अगर WTO में, अगर एग्रीकल्चर वगैरह ये सब अच्छे से हो जाए, तो फिर ऐसा माना जा रहा था कि 745 बिलियन का, और हुआ भी एक्चुअली एडिशन। देन क्लॉथिंग सेक्टर को दिया गया शेयर जो उसका था वो 60%, ये बहुत बड़ा शेयर है 60% क्लॉथिंग सेक्टर को, तो जो WTO में जो ट्रेड होता है उसका 60% क्लॉथिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और फिशरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है इनको 20% का दिया गया शेयर। देन प्रोसेस्ड फूड का जो शेयर है बेवरेज ड्रिंक्स वगैरह का वो 19% है, तो ये इनको आप अगर कैलकुलेट करो 60 + 20 + 19 तो आपको मिलेगा 99, ठीक है 99 मिलता है आपको, मतलब ये जो सेक्टर्स हैं क्लॉथिंग एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज वगैरह एंड फूड प्रोसेस्ड बेवरेज वगैरह, तो ये 99% हो जाते हैं,
तो जो ओनली 1% है वो बाकी गुड्स के लिए है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर भी बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे उस समय, जो नया नेशेंट फेज में था जब WTO, तो बहुत सारी कंट्रीज उस समय डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया का जो असेसमेंट था वो क्या था, वो कैसा रहा। तो सबसे जो पहला पॉइंट निकल के आता है इसमें, कि इंडिया जब असेस कर रहा था अपनी चीज़ों को, तो उसने देखा कि एक ट्रेडिशनल ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसका, ये जो सेक्टर मेंशन है उसमें भारत का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत ऊंचा है, उसमें काफ़ी मतलब उसके चांस दिख रहे थे इंडिया को, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट थी इंडिया के लिए। दूसरा, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इम्प्रूव फ्रॉम 0.5 to 1%। तो इंडिया ने देखा कि भाई अगर ऐसा किया जाए, इसमें शामिल हुआ जाए, तो हमारा जो शेयर है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में वो 0.5% से बढ़कर 1% हो जाएगा, जो कि लगभग डबल है, और डबल ही है बेसिकली, और काफ़ी अच्छा इंडिया को लगा। देन NCEAR, नेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, उसने सर्वे किया, उसने उसके जो फाइन पॉइंट्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिस्कस करना। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट विल बी बूस्टेड, उसने बोला, जो सर्वे हुआ उसमें पता चला कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बूस्ट होगा इंडिया का, एक पॉजिटिव पॉइंट इंडिया का असेसमेंट के दौरान। देन व्हीट एंड राइस प्रोजेक्टेड टू बी अमाउंटिंग टोटल, जिसका ट्रेड था वो अमाउंट किया गया, तो कैलकुलेट करने पे $270 बिलियन मिला, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के लिए। देन पुअर प्रिपेडनेस, अभी एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि खाली पॉजिटिव ही मिला असेसमेंट के दौरान, पुअर प्रिपेडनेस देखा गया इंडियन एग्रीकल्चर में। देन क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जब एग्रीकल्चर ट्रेड आ रहा है, तो आपको एक्सपोर्ट को रेज करना है, आपके प्रोडक्शन का कॉस्ट रिड्यूस करना है, बहुत सारी बातें थी जिसमें इंडिया का प्रिपेयरनेस काफ़ी कम था। देन कॉशन एंड कंसर्न, जैसे चीपर एग्री इम्पोर्ट्स, तो जब आप अगर WTO में ज्वाइन कर लिया हमने, तो क्या है कि एग्री इम्पोर्ट्स जो चीपर हैं वो कहीं ना कहीं इंडिजीनस जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा असेसमेंट किया गया। तो ये सारी बातें इंडिया को पता चली इसमें, क्योंकि सस्ते दरों पे अब इंडिया में इम्पोर्ट हो जाएगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो जो हमारे इंडिजिनस फार्मर्स है जो कि काफ़ी इनपुट लगता है उनको, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, और उनका फूड भी महंगे तरीके पे जो कॉस्ट है उसका महंगा ही निकल के आता है, तो उनको काफ़ी लॉस होने के चांस हैं। देन चैलेंजेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो नंबर 1 जो चैलेंज सामने आया उसमें दो चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडिविजुअल चैलेंज एज वेल एज ज्वाइंट चैलेंज। तो इंडिविजुअल चैलेंज में मैंने बता दिया कि आपको उसमें इंडिविजुअल चैलेंज में क्या हो सकता है, सबसे पहला ये हो सकता है कि हमारा प्रिपेडनेस नहीं है, हमारी इकोनॉमी में इश्यूज हैं, हाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं कई सारी, जो इंटरनल इश्यूज हैं वो इंडिविजुअल चैलेंज हो गए, और जो ज्वाइंट चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं WTO के प्रोविजन से रिलेटेड हैं, जैसे सब्सिडीज़ वगैरह, तो वो सब्सिडीज़ वगैरह मैं बताऊंगा आपको अभी। आगे चलते हैं, चैलेंजेस बिफोर द इंडियन एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशियंसी, जो पहला चैलेंज निकल के आया वो सेल्फ सफिशियंसी ऑफ फूड का निकल के आया। इसमें क्या है कि जैसे अगर WTO में ज्वाइन करने के बाद हमारे पास अगर इम्पोर्ट सस्ती होने लगे, और फार्मर्स इस वजह से प्रोडक्शन कम कर दें कि भाई हमारा तो माल महंगा है और इम्पोर्ट सस्ते में आ जा रहा है, तो हमारा तो रेट हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो फूड का सिक्योरिटी है, फूड का सफिशियंसी है, वो कहीं ना कहीं ख़तरे में आ रहा है, ये चैलेंज है। प्राइस स्टेबिलिटी, अगेन अब प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया, तो वर्ल्ड काफ़ी वर्ल्ड में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम किसी कंट्री में हुआ, तो इंडिया को भी उसका असर झेलना पड़ेगा, इंडिया के भी फूड प्राइसेस महंगे सस्ते हो जाएंगे, तो प्राइस स्टेबिलिटी का इशू इसमें चैलेंज है। क्रॉपिंग पैटर्न बदल गए इससे, क्योंकि वही जिसमें फार्मर्स को इंसेंटिव मिलने लगा, वही बेसिकली एक्सपोर्ट इंटेंसिव जो क्रॉप्स है वो फार्मर्स लगाने लगे, तो क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया, जिससे कि इकोलॉजिकल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम्स है ये। वीकर सेक्शंस को बहुत सारे इशूज़, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो आपको ग्लोबलाइजेशन में अगर आपको कॉमर्शियल क्रॉप्स लगाने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं
आपको कैश की ज़रूरत है, क्रेडिट की ज़रूरत है वो। और इंडिया में क्या है, हर बंदे के पास कैश क्रेडिट नहीं है। वीकर सेक्शन उसमें ज़्यादा अफेक्ट हुआ, तो क्योंकि कैश क्रेडिट सबसे कम किसके पास है, वीकर सेक्शन के पास। अगर कैश और क्रेडिट ही नहीं है उनके पास तो वो फिर इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो ये भी एक मेजर इशू। WTO के कमिटमेंट भी बहुत सारे इंडिया के ऊपर हैं, जैसे कि टोटल सब्सिडी जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट्स के। हालांकि इंडिया का जो सब्सिडी है इससे कहीं कम है, लेकिन एक सोवरेन डिसीजन को अफेक्ट करता है इंडिया के। देन सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड बाई द डेवलप्ड कंट्रीज़ आर हाईली डिट्रीमेंटल। तो कई तरीके की सब्सिडीज देते हैं डेवलप्ड जो कंट्रियाँ हैं, तो वो भी बाकी कंट्रियों के लिए काफ़ी, जो डेवलपिंग है लीस्ट डेवलप्ड हैं उनके लिए काफ़ी हानिकारक है। तो चलिए, वेज टू फाइंड दी चैलेंजेस, तो काफ़ी सारे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं इंडिया के जैसे, उन्होंने जो डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप्ड जो कंपनियां हैं उन्होंने, उनके जो थिंकर्स हैं इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी एफर्ट डाला और कई सारे सोल्यूशन निकाले। तो वो सोल्यूशंस को चर्चा करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, द प्राइस स्टेबिलिटी एंड द क्रॉपिंग पैटर्न का जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए बताया गया कि जुडिशियस मिक्स ऑफ सुटेबल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पॉलिसीज हर कंट्री को लाना चाहिए एंड इसेंशियल टू मोडिफाई चेंज और रिवाइज द प्रोविजन ऑफ WTO। तो अगर ऐसा नहीं है कि WTO में हैं आप तो आप अपना बिल्कुल कुछ भी मन करे जो अपने कंट्री में कोई भी पॉलिसी लेके आए, नहीं, WTO के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आपको मॉडिफाई करना है अपना पॉलिसी ट्रेड से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आपको कहीं ना कहीं WTO के प्रोविजंस को चेंज करने की ज़रूरत है, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये एक बताया गया कि आप लाइक माइंडेड जो कंट्रीज़ हैं सामने आए और जो डिट्रीमेंटल पॉलिसीज़ हैं प्रोविजंस हैं उसको मॉडिफाई चेंज और करने की कोशिश की जाए WTO के जो प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, जो बॉक्सेस हैं उसको इक्विटेबली डिफाइंड करना चाहिए। मैं इसको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो सीरीज़ का वीडियो बनाऊंगा उसमें बॉक्सेस में बता दूंगा आपको। देन पोस्ट 1995 पोलराइजेशन होने लगा लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का, तो शुरू शुरू में तो नहीं हुआ लेकिन बाद में ये पोलराइजेशन शुरू हो गया लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का, जो कि दबाव डालने लगे हम लोग WTO पर। बहुत सारे आउटपुट्स भी निकल के आए। द सेकेंड लेवल सजेशन क्या है इंडिया के लिए, वो है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए चैलेंजेस के लिए, द एरिया ऑफ प्रिपेयरनेस फॉर द WTO रिजाइम रिजाइम के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसमें क्या आप कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन्हेंस कीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी को आपको, सॉरी, बायो टेक्नोलॉजी को एक्चुअली अपनाना चाहिए जिससे कि आप अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप इम्प्रूव करें, हेल्थ एंड फिटो सैनिटरी जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके वजह से भी कई बार हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में बड़ी बड़ी कंट्रियाँ नहीं खरीदती हैं, कहती हैं कि इससे हेल्थ पे इशू हो जाएगा, इसमें सैनिटाइजेशन की कमी है, कहीं ना कहीं ये गंदे प्रोडक्ट्स हैं। तो हेल्थ एंड फिटो सैनिटरी मैटर्स को भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है और जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।